को साझा भी करें। तो यहाँ इस स्लाइड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ल्ड सीआरयू टोकन को अनफ्रीज होने के लिए दो चीजें हैं। 365 दिन के बाद ये शुरू होता है डीफ्रीज होने के लिए, जहां आप इसे बेच सकते हैं, आप इसे किसी को उपहार स्वरूप दे सकते हैं, तो ये तरल हो जाता है। ये आप देखिए यहाँ तालिका, ये जो चार्ट है, आप यहाँ देखें कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास 1000 वर्ल्ड सीआरयू टोकन का पैकेज है, अगर आपने ये पैकेज को खरीदा है, तो 365 दिन के बाद में ये जो पैकेज है अनफ्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जो 1% है वो प्रत्येक 30 दिन में अनफ्रीज होगा। इसके बाद अगले 6 महीना में जो अनफ्रीजिंग दर होगा ये 1.5% होगा, 1.5%, और फिर 3 साल के अंतर्गत जो पूरा पैकेज है वो संपूर्ण तरीके से अनफ्रीज हो जाएगा। तो क्यों ये ऐसा है? क्योंकि ये एक लाभ की तरह मैं तो इसे देखती हूँ। शायद आप मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो योजना बनाते हैं आप अपने कर्मों की, ये वाकई में एक अच्छी कला है, एक अच्छा कौशल है। धीमे धीमे ये जो टोकन है ये बाजार में धीमे धीमे आए, ये एक अच्छी उपलब्धि है, ये एक अच्छी कला है, मुझे लगता है एक अच्छी योजना है। और आपको ये समझने की जरूरत है कि किस समय अवधि के अंदर कितना प्रतिशत आपके टोकन का अनफ्रीज होने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर ये फ्रोजन रहता भी है तो भी ये आय को उत्पन्न करता है। और जो सबसे पहली प्रकार डिपॉजिट कर सकते हैं या इसे स्टिक कर सकते हैं, और जो ब्याज है जो आप प्राप्त करते हैं इस डिपॉजिट पर, ये बाकी अन्य ब्लॉकचेन टोकन में देखा जाता है, जिसे यूएनटी भी बोला जाता है, और इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और मुझे लगता है यही वो कारण है कि जब आप महज शुरू जब करते हैं तब टोकन आपको फ्रोजन स्थिति में मिलते हैं, और ये जो टोकन है ये उस स्थिति में रहते हुए भी आपके लिए निष्क्रिय आय उत्पन्न करते हैं, वो भी यूएनटीबी के रूप में। तो अगर